बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 5 की कोडिंग बहुत ही आसान अंदाज में समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी और सारी ज़िंदगी के लिए याद रहेंगे ये पॉइंट्स। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड आपको गिवन है और कहा गया है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो हम आउटपुट स्क्रीन खोल लेते हैं और इसको देखते हैं। इंटीजर के डिफाइन किया उसने और के लिए लूप दे दिया 1 से लेकर 5 तक, यानी कि जब के की वैल्यू 1 हो तो अंदर जाए, एक दफ़ा लिख दे आई एम अ स्टूडेंट। फिर उसके बाद ऊपर आया, के प्लस प्लस किया, के की वैल्यू 2 कर दी, चेक किया कि 5 से कम है, तो फिर नीचे गया और एक दफ़ा ये आई एम अ स्टूडेंट प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया, फिर एक दफ़ा प्रिंट कर दिया, फिर एक दफ़ा प्रिंट कर दिया, फिर एक दफ़ा, जब 5 दफ़ा प्रिंट कर चुकेगा और अगली दफ़ा जाओ जगह के प्लस प्लस करेगा 6 हो जाएगा, तो इससे बड़ी हो जाएगी वैल्यू 5 से, तो अब ये इसको प्रिंट नहीं करेगा बल्कि इस फॉर लूप से बाहर निकल आएगा और इस अगली स्टेटमेंट पर आ जाएगा और एक बार इसको भी प्रिंट कर देगा और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड आपको गिवन है और इसके अगेंस्ट आपने बताना है कि आउटपुट क्या होगी। हम लोग अपनी आउटपुट स्क्रीन खोल लेते हैं। इंटीजर एन डिफाइन किया और देखें स्टार्ट किधर से हो रहा है, एन इज इक्वल टू 30 से और नीचे जा रहा है और 10 तक जा रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। और ये क्या है, इंक्रीमेंट नहीं है, डिक्रीमेंट का है, यानी कम कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट हम लोगों ने करना है एन इज इक्वल टू 30 से। प्रिंट एफ किया, बैक स्लैश एन, यानी कि हर दफ़ा नई लाइन के अंदर प्रिंट हो रहे हैं, तो परसेंटेज डी के अंदर एन की वैल्यू चली जाएगी और पहली दफ़ा 30 प्रिंट हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा एन इज इक्वल टू एन माइनस 5, यानी कि 30 माइनस 5 हो जाएगा 25। नेक्स्ट टाइम अंदर आएगा तो 25 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह बार बार ऊपर जाएगा 20, 15, 10। अब जब 10 पे आ गया और उसने दोबारा ऊपर जाके किया तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 और चेक किया इसके साथ, तो अब चूंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 नहीं है, 5 छोटा नंबर होता है, तो अब मज़ीद वो प्रिंटिंग नहीं करेगा। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। इस तरह का भी एक आधा सवाल ज़रूर बोर्ड में आता है, तो इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाते हैं। पहले वाली लाइन में देखें तो आपका सेमी कॉलन मिस है जो कि टर्मिनेटर होता है स्टेटमेंट का। अगली लाइन ठीक है, उससे अगली लाइन भी ठीक है। वाइल लूप के अंदर आप देखें, वाइल लूप में ये सेमी कॉलन नहीं होता, ठीक है, लिहाजा आपने हटा देना है। ब्रैकेट्स आप देखें, इसने बिल्कुल करली नहीं, इसने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए, वो गलत है, तो हम इसको करली कर लेते हैं। अगली लाइन में जाते हैं तो प्रिंट एफ, इसने ये देखें परसेंटेज एफ, हालांकि यहाँ पे इंटीजर है, फ्लोट नहीं है। अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो परसेंटेज एफ होता, तो हम लोगों ने सही कर लेना है परसेंटेज डी, जो कि इंटीजर के अगेंस्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट लाइन ठीक है और फाइनली फिर एक करली ब्रैकेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर लूप इनटू अ वाइल लूप। यानी फॉर लूप में आपको चीज़ गिवन है, आपने वाइल लूप बनाना है। ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, छोटा सा है। इंटीजर के है, फॉर के इक्वल टू 25, ये इनिशियलाइज कर दिया, ये इसकी कंट्रोल स्टेटमेंट, के ग्रेटर देन 0 और इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट कर रहा है, के इज इक्वल टू के माइनस 3 और प्रिंट एफ बैक स्लैश एन परसेंटेज डी। अब वाइल लूप की आपको पता है कि वाइल लूप में आपने हमेशा पहले इनिशियलाइज करना होता है, तो इंटीजर को पहले तो डिफाइन कर दिया इंटीजर के, अब हम लोगों ने इनिशियलाइज पहले करना है उसको, के इक्वल टू 25 हम लोगों ने पहले इनिशियलाइज कर दिया लूप लगाने से पहले। और वाइल लूप इस तरह लगता है, वाइल कंट्रोल कंडीशन, इसके अंदर के ग्रेटर देन 0, अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग प्रिंट एफ कर देते हैं और ख़त्म करने से पहले लूप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के इक्वल टू के माइनस 3 डिक्रीमेंट करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह वाइल लूप के अंदर आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं जो कि आपको फॉर लूप में गिवन था। इसका इन्वर्स भी आपको आ सकता है कि आपको वाइल लूप दे दिया जाए और फॉर लूप बनाने के लिए आ जाए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि लैब क्वेश्चन हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। एक हम लोगों ने प्रोग्राम प्रिंट करना है जिसमें 1 से लेकर 50 तक जो इवन नंबर्स आए हैं उनका सम किया जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8 इन सबको प्लस करते जाएं और आखिर में सम को प्रिंट कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है ना रफ़ साइड यूज़ करते हैं। आपने अपने पेपर में राइट साइड पे रफ़ पे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना है, ये आदत डालेंगे तो आपके कंप्यूटर की कोडिंग ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आप ये देखें, इन एडिशन इन लूप्स, जब भी लूप्स के अंदर एडिशन का काम करना हो तो इनिशियलाइज़ कर दिया जाता है उसको ज़ीरो में, यानी जब प्लस वाले सवाल हों, एडिशन हो और लूप्स के अंदर हो रही हो तो उसके अंदर सम करते वक्त ज़ीरो इनिशियलाइज़ करना होता है, यानी कि लूप में जाने से पहले पहले उसको ज़ीरो करना होता है। ये आगे मैं दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे सम इज़ इक्वल टू 0, आपने शुरू में सम को ज़ीरो कर दिया क्योंकि जब आपने उसमें 2 या 4 या 6 अभी तक डाला ही नहीं है तो आपकी आउटपुट अभी तक तो 0 है। जब डालना शुरू करेंगे तो 2 डालेंगे तो 2 रह जाएगी, जब 4 डालेंगे तो 2 + 4 = 6 हो जाएगी। इस तरह अभी देखें आपने करना क्या है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एन,
इनिशियलाइज आपने सम को किससे किया हुआ है, ज़ीरो से, और एन की पहली वैल्यू क्या है इवन नंबर में, वन तो नहीं है तो टू है, तो टू यहाँ पे लिख दिया, तो टू प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू टू। अब आपकी सम की वैल्यू हो चुकी है टू। अब नेक्स्ट दफ़ा जब ये लूप के अंदर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा टू, और नेक्स्ट इवन नंबर क्या था, फोर, तो फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, एंड सो ऑन। सिक्स इधर आ जाएगा, अगला इवन नंबर क्या है, सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, एंड सो ऑन, करते करते आखिरी जो होगा सम प्लस 50। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है क्योंकि 50 तक तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये तो हम कोड की मदद से करते होते हैं। अब आप कोड की तरफ आ जाएं। कोड में हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों को इंटीजर्स वेरिएबल्स क्या चाहिए। एक तो आपको पता है कि आपने नंबर जो इवन नंबर्स हैं वो लेना है, क्योंकि लूप में लगाने के लिए कोई ना कोई नंबर तो चाहिए, टू फोर सिक्स, तो उनके लिए आप लोग यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल एन। और जिसमें प्लस करना है और जिसको शुरू में हम लोगों ने इनिशियलाइज़ करना है, उसके लिए हम लोग ले लेते हैं सम, क्योंकि फाइनली हम लोगों ने सम के आंसर को प्रिंट करना है। अब हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे समझाया था, सम इज इक्वल टू ज़ीरो इनिशियलाइज बिफोर द लूप। ये मैं आपको साथ साथ स्टेटमेंट्स भी देख रहा हूँ। ये इस दो ऑब्लीक से क्या बनता होता है कि ये कमेंट है, ये कोडिंग के अंदर इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके समझने के लिए होता है। फिर अब लूप लगा लेते हैं। लूप मैंने कहा था फॉर लूप लगाएंगे और उसका वेरिएबल होगा एन, और स्टार्ट कहाँ से होना है, वन से नहीं, टू से होना है, इवन नंबर से करना है, और कहाँ तक जाना है, 50 तक, लेस देन और इक्वल टू 50, और इसका इंक्रीमेंट कितना होता है, एन इज इक्वल टू एन प्लस टू, क्योंकि हर इवन नंबर और के बीच में एक एक ऑड नंबर आ रहा होता है। और अब हम लोग स्टेटमेंट क्या लगाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। तो देखें पहली दफ़ा जब ये आया टू, तो टू प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू टू, अब ऊपर गया तो 2 से 4 बन गया, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो इसी तरीके से करते जाएंगे, ये इसी तरह एक ही लाइन का इसके अंदर लूप के अंदर ये है, जब लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट हो तो करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई जाती, ठीक है। तो एक ही लाइन है हमारे पास, एक ही स्टेटमेंट है, तो हम करली ब्रैकेट्स नहीं लगा लें। तो जब ये तकरीबन 25 बार ये लूप रन हो जाएगा तो ये इससे क्विट करके बाहर आ जाएगा, जब 52 की वैल्यू होगी तो ये मज़ीद सम नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। और अब फाइनली हमने क्या प्रिंट कराना है, सम को प्रिंट कराना है, तो हम लिख देंगे प्रिंट ऑफ बैकलैश एन सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा सम। तो ये जो सम के अंदर वैल्यू यहाँ पे आ चुकी थी वो इसमें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर टू, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग अ लूप ऑन अ सिंगल लाइन, ये 5, 10, 15, 20। अब आप देखें कि यूजिंग अ लूप, कोई भी एक लूप यूज़ करना है और सिंगल लाइन, वरना तो अगर लूप ना यूज़ करना होता तो आप प्रिंट एफ करके उसके अंदर ये सारे नंबर लिख देते, और यूज़ करना है लूप को और सिंगल लाइन में, यानी कि बैक स्लैश एन नहीं आना चाहिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो डोंट यूज़ बैक स्लैश एन। अभी ये हम लोग कोड की ऊपर नीचे वाली चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिख दी हैं, ये तो आपको याद ही होंगी। अब हम लोगों ने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, जिसके बाद हम लोग ये वाले नंबर्स के लिए कोई लूप लगाएंगे, इंटीजर एन, एन इज़ द वेरिएबल, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सम। इस क्वेश्चन के अंदर सम तो नहीं करना, बस सिर्फ जो है ना इंक्रीमेंट करते जाना है और आगे प्रिंट करते जाना है, लिहाजा इसके अंदर सेपरेट इनिशियलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लूप लगाया फॉर एन इज इक्वल टू 5, और टर्मिनल बात क्या है, एन लेस देन इक्वल टू 50, मतलब 5 से 50 तक, और इंक्रीमेंट कितने का है, 5 का। तो अब हम लोग इसके अंदर प्रिंट एफ, अब देखें यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं लगाया, क्योंकि अगर बैक स्लैश एन लगाता तो एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, हमने किस में करना है, एक लाइन में, सिंगल लाइन में। अब इस लूप को रन करें तो 5 यहाँ पे पहली दफ़ा प्रिंट हो गया, ऊपर गया तो एन की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। फिर अगला 10 उसने प्रिंट किया, फिर ऊपर गया तो एन इक्वल टू एन प्लस 5, 10 प्लस 5 15, तो ये 15 हो गया। इस तरह करते करते ये अंदर प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। और याद रखें, यू कैन ऑल्सो राइट प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैक स्लैश टी। यहाँ पे मैंने देखें गैप दिया हुआ था थोड़ा सा, वरना बिल्कुल ये नंबर आपस में मिल जाएंगे, तो आपने ये थोड़ा सा गैप ज़रूर देना है। और अगर आप मज़ीद खूबसूरत प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो देखने में बंदे को लगे प्रोफेशनल है बनाए, तो बैक स्लैश टी पूरा टैब दे दिया करें, ठीक है। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ लूप। अब आप देखें इसमें आपने सम भी करना है, स्क्वेयर्स भी करने हैं, और 1 से 10 तक के नंबर हैं, और लूप के अंदर करना है ये काम। देखने में लग रहा होगा पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है, लेकिन बहुत आसान सा है। सबसे पहले आप देखें रफ़ में जाके आप इस तरह काम कर लें। इन एडिशन याद है ना आपको ऑलवेज़ इनिशियलाइज़ करना होगा ज़ीरो को, तो सम को तो हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेंगे ज़ीरो, ठीक है। और फार्मूला हम लगाएंगे सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जे मल्टीप्लाई बाय जे। क्यों? क्योंकि आपने किन को सम करने हैं, स्क्वेयर्स को। पहले हमने सिर्फ जे को सम किया हुआ था,
याद होगा आपको n प्लस सम था या j प्लस सम था, वेरिएबल आप चेंज करते रहा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो ये स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सम इज इक्वल टू सम हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये इस तरह से देख लें। ठीक है, पहले के बाद जो सम आया वो इधर आ गया, और 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5 एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तक चले जाएंगे। आ जाते हैं कोड की तरफ, ये ऊपर नीचे की चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और हम लोगों ने अब इसमें देखें वेरिएबल टोटल कितने हमारे हैं, सम है और जे है वो लिख लिया इंटीजर के साथ, और सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लिया हम लोगों ने बिफोर द लूप फॉर जे इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखें आपको कौन से नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक का लूप बनाया है जे प्लस प्लस यानी सिंगल इंक्रीमेंट के साथ, और यही वाला फार्मूला अंदर हमने लिख दिया सम इज इक्वल टू सम प्लस जे मल्टीप्लाई बाय जे। तो ये 10 बार जब रन हो जाएगा तो इस सम के अंदर आखिरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी कि टोटल कितना सम बना है, और आपने प्रिंट कर देना है इस लूप से जब निकल आया तो इधर प्रिंट कर देना है सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ये जो सम के अंदर वैल्यू है वो परसेंटेज डी वाली लोकेशन पर आ जाएगी, और यूँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू मे राइट फुल सेंटेंस एज इन स्टेटमेंट, आप एक अच्छा जुमला लिखना चाहें, यहाँ पे तो जगह कम थी तो मैंने कहा आप ये लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ लूप इज इक्वल टू परसेंटेज डी, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल अपर केस लेटर्स, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स, ठीक है, लोअर केस स्मॉल लेटर्स, अपर केस कैपिटल ए कैपिटल बी इस तरह जेड तक, इन रिवर्स ऑर्डर ऑन अ सिंगल लाइन यूजिंग लूप, तीन चार बातें इसने कर दी, अपर केस लेटर हैं ए से जी तक रिवर्स ऑर्डर यानी जेड से शुरू करेंगे और ए पे ख़त्म करेंगे, सिंगल लाइन में करने हैं यानी बैक स्लैश एन नहीं लगाना, और लूप के ज़रिए से करना है, इस तरीके से आना चाहिए। तो आप सबसे पहले रफ़ के अंदर काम करेंगे, आपको बता दूं ASCII टेबल होते हैं 0 से 225 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझा रहा हूँ ये समझ लें, 0 से 31 तक कंट्रोल कोड्स होते हैं नॉट यूज्ड बाय अस, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लेकिन 32 से 127 तक अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंटिंग करेक्टर्स के लिए, 128 से 255 तक ग्राफिक्स और फॉलोइंग लैंग्वेज की चीज़ें होती हैं ये भी हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हीं के बीच में आपके अल्फ़ाबेट्स भी आए हुए हैं। 65 नंबर आप याद रख लें, 65 से लेकर 90 तक आपके ए टू जी होते हैं, और 97 to 122 तक स्मॉल ए टू स्मॉल जी होते हैं, बीच के 6 हिंसे फ़िलहाल रहने देंगे उसमें क्या है, ठीक है, तो 65 इज़ टू ए 90 इज़ टू जी। हर नंबर के लिए परसेंटेज डी अगर लिखा जाए, यानी अगर आपने इंटीजर डिफाइन किया है और उसके लिए परसेंटेज डी लिख दें तो ये नंबर प्रिंट करेगा, और अगर उसी इंटीजर जो डिफ़ाइन किया हुआ है उसके लिए परसेंटेज सी लिख दें तो ये इसका करेक्टर प्रिंट करेगा। ये बात दोबारा समझा दूं कि परसेंटेज डी अगर लिखेंगे तो नंबर प्रिंट होगा, परसेंटेज सी अगर लिखेंगे तो उसी नंबर के अगेंस्ट करेक्टर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये भी याद रखना है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सी एंड एंड ऑन ए, दैट इज़ 90 to 65। अब आए कोड शुरू करते हैं, ऊपर नीचे की चीज़ें लिख लें, देखें बिल्कुल आप 3 लाइनों में ये कोड कम्प्लीट कर लेंगे। इंटीजर n सिर्फ हम लोगों के एक नंबर्स ही चाहिए जिसको हम लोगों ने बाद में उसके परसेंटेज सी यानी करेक्टर को प्रिंट करना है। फॉर n इज इक्वल टू 90, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, ठीक है, और n माइनस माइनस। नॉर्मली अगर बोर्ड के पेपर में ये चीज़ें नहीं भी लिखी आती तो आप सर को बताएं कि सर ये रटे का ज़माना थोड़ी है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, आप बताएं वरना हम आपकी शिकायत लगाएंगे, आप बताएं हमें ये क्या चीज़ होती है, कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स हैं। और प्रिंट एफ ब्रैकेट में परसेंटेज सी कॉमा एन, तो एन में जो भी वैल्यू आती जाएगी सबसे पहले क्या 90 की वैल्यू अगेंस्ट क्या वैल्यू आएगी जेड, तो यहाँ जेड प्रिंट हो जाएगा, और आप देखें बैक स्लैश एन नहीं लगाया हुआ, ठीक है, तो अगला नंबर इसके बाद प्रिंट होने के लिए सीधा लाइन में ही आ जाएगा। खूबसूरत बनाने के लिए आप यहाँ पे एक दो स्पेस ज़रूर डाल दें, अभी सारे के सारे मेरे जो कैरेक्टर्स प्रिंट होने हैं वो सारे के सारे तो इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगले पे आएंगे तो डिक्रीमेंट हुआ है, ये डिक्रीमेंट का सवाल है, तो 90 के बाद 85 हो जाएगा, ठीक है, वर्ग नहीं 90 n माइनस माइनस 90 के बाद 89 हो जाएगा, तो 89 होता है y के लिए, फिर 88 होता है x के लिए, तो ये प्रिंट होते चले जाएंगे इस तरीके से। डोंट यूज़ बैक स्लैश n नहीं यूज़ करना, एंड डोंट यूज़ परसेंटेज d, इस सवाल का यही एक कैच है जो कि आपने गलत नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर, यानी एक नंबर हमने रीड करवाना है यानी प्रिंट ऑफ स्कैन एफ कराना है लोगों से, एंड प्रिंट्स
इट्स टेबल यूजिंग वाइल लूप, यानी आपने टेबल एक प्रिंट कराने कोई भी नंबर का, जैसे कि अगर कोई 5 ले ले, 6 ले ले, तो उसका किस तरह का टेबल होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 और इस तरह। अब इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि हमें वेरिएबल कितने चाहिए होंगे। एन, जो भी आपने किसी से रीड कराना है नंबर, उसको वेरिएबल एन में स्टोर कर लें, और फिर लूप लगाना है, क्योंकि वेरी बात है 5 1 5, 5 2 और 5 3 10 तक जा रहे होते हैं, तो हम लोग एक और अल्फ़ाबेट ले लेते हैं वेरिएबल के तौर पर आई, और तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जो है एन मल्टीप्लाई बाय आई ही इनको कर लेंगे। तो हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत है, एन और आई। कोड लिखना शुरू करते हैं, तो ये हम लोगों ने इसकी बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिख ली। अब इंटीजर एन कॉमा आई ये हमने डिफाइन कर लिए, प्रिंट एफ करेंगे एंटर नंबर, बंदे से हम लोग नंबर मांग रहे हैं, स्कैन एफ वो करेगा कि जो नंबर वो ऐड करेगा कंप्यूटर के कीबोर्ड से वो चला जाएगा एन के अंदर। अब आपके पास ये नंबर आ गया, चाहे जो भी नंबर हो, ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है 5 का करें, वो अगर 6 लिख दे, 7 लिख दे, तो वो एन के अंदर आ चुका है। अब हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि लूप के अंदर जा रहे हैं, तो आई इज़ इक्वल टू 1। कौन सा लूप है? वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में आपको पता है ना, पहले इनिशियलाइज़ करते हैं, आई इज़ इक्वल टू 1 कर दिया इसको। अब आगे वाइल लूप लगाया, आई कंट्रोल स्टेटमेंट, आई लेस देन इक्वल टू 10। अब ब्रैकेट्स ओपन की, और आप अंदर जो प्रिंट एफ, ये गौर से समझें, बैक स्लैश एन, ताकि देखने में ऐसा लगे जबकि बिल्कुल टेबल है, ठीक है। परसेंटेज डी, पहले परसेंटेज डी में क्या वैल्यू आएगी, जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या है, 5। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल दे दें, जो भी उसने वैल्यू यहाँ से प्रेस की है, हम समझते हैं 5 प्रेस की थी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। दूसरे परसेंटेज डी में ये आई की वैल्यू आएगी, और आई की अभी वैल्यू क्या चल रही है, 1, क्योंकि हमने इनिशियलाइज़ किया, तो यहाँ पे 1, 5 1, और इस परसेंटेज डी में क्या आएगी, एन मल्टीप्लाई बाय आई, तो 5 1 5, ठीक है। और अगली दफ़ा जब ये अच्छा ये जब स्टेटमेंट होगी, अब वाइल लूप में क्या करना है, ऊपर इंक्रीमेंट भी तो कराना है, तो वाइल लूप से निकलने से पहले आपने इंक्रीमेंट करना होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब ये करके फिर ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 2 10, फिर इंक्रीमेंट करके ऊपर जाएगा, अंदर आएगा 5 3 15, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्लास ऑफ 16 स्टूडेंट्स टेक्स एन एग्जामिनेशन इन विच मार्क्स रेंज फ्रॉम 1 to 100, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट द एवरेज मार्क्स। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15, और आपने उनके एवरेज मार्क्स निकालने हैं। मार्क्स यानी कि आप लोग एंटर करेंगे एम के एम एम करके, ठीक है। अब आप रफ देख लें, ये इस तरह समझ लें कि 1 से लेकर 15 तक स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ लोगों के मार्क्स लिखे गए। अब उनको सम किया आपने, सबसे पहले सम करेंगे तो एवरेज निकलेगी ना, पहले सम किया, और फिर एवरेज करने के लिए सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय 10, नहीं यहाँ पे मैंने गलती से 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो अब आप ये देख लें, ये आई मैंने एक वेरिएबल दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उनके लिए, और जब भी कभी मार्क्स एंटर कराते रहेंगे तो वो एम में एंटर कराया करेंगे। अभी हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे कोड लिखना शुरू करते हैं। इंटीजर हमारे पास जो हम लोगों ने डिफ़ाइन करने हैं वेरिएबल्स, वो आई, एम, सम और एवरेज। सबसे पहले आपने जब भी लूप में जाना है, तो उससे पहले सम वाले सवालों के अंदर मैंने आपको बताया था इक्वल टू 0 इनिशियलाइज़ करते हैं। फॉर लूप लिया, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 15, आई प्लस प्लस, ठीक है, इनके लिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हैं उतने हम लोगों ने मार्क्स एंटर कराने हैं। अब फॉर की ब्रैकेट्स हम लोगों ने लगा दी, क्योंकि दारी बात है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, जो बंदा कंप्यूटर के सामने बैठा होगा वो मार्क्स एंटर करेगा, जो कि हम लोग ले लेंगे एम के अंदर, ठीक है। दूसरा वेरिएबल हमारा यूज़ हो गया। अब हम लोग सम इज इक्वल टू सम प्लस एम के, जो मार्क्स लगाएं वो सम के अंदर ऐड हो जाएं, जो ऑलरेडी 0 था, और इसमें चले जाएंगे। या मिसाल के तौर पे मैंने 60 मार्क्स लिए, तो 60 + 0 इज इक्वल टू 60। दोबारा ऊपर गया, नए मार्क्स लिए, तो 60 + जो भी नए मार्क्स हैं वो इसके अंदर ऐड हो गए। तो इस तरह करते जाएंगे तो आपका सम का आंसर आ जाएगा। फाइनली जो भी लेटेस्ट सम की वैल्यू थी, अब आपने क्या करना है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 15। यहाँ मैंने ठीक कर लिया, यहाँ पे हालांकि गलती में गलत कर दिया था। तो अभी एवरेज के अंदर वैल्यू आ गई, अब आपने इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट एफ बैक स्लैश एन एवरेज मार्क्स आर परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा एवरेज। सो ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, अब 20 स्टूडेंट्स हो गए हैं, टेक्स एन एग्जामिनेशन इन विच मार्क्स रेंज फ्रॉम 1 to 100, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एंड फेल्ड। यानी पास एंड फेल हमने काउंटिंग करनी है, पासिंग मार्क्स आर 33। तो वही रफ का प्रोसीजर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऑफ एडिशन है, ठीक है, वी हैव टू काउंट पास एंड फेल स्टूडेंट। तो कंडीशन कौन सी यूज़ हो रही है, इफ एल्स विल बी यूज फॉर पास मार्क, क्योंकि उसने कहा पास मार्क्स आर 33, यानी वो चेक किया करेगा कि 33 हैं या नहीं, तो इफ़ की कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन यूज़ होगी। फिर
इस तरीके से आप देख लें कि आपने रफ़ में लिख लिया कि 1 से लेकर 20 तक स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ मार्क्स रख लिए, पास आपने आखिर में काउंट करना है इसको देखते हुए 1, 2, 3, 4, 7 बच्चे पास हैं और फेल मिसाल के तौर पे 13 हैं। तो इस अब आपको वेरिएबल और क्या चाहिए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए कितने होंगे, क्योंकि दरी बात है लूप चलाना होता है आई, और जो उनके मार्क्स हैं उनके लिए एम। अब आके कोड की तरफ आ जाते हैं। कोड में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर आई, एम, पास और फेल ये स्मॉल में लिख देते हैं। पास इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियलाइजिंग टू ज़ीरो, क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन है, हमने प्लस करना है ना कि कितने बच्चे पास हुए हैं, एक बच्चा पास हुआ, दो बच्चा पास हुआ, लूप चलेगा। फिर फेल को भी ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग चले जाते हैं फॉर लूप में, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, 20, तो आई 1 से लेकर 20 तक। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, के मार्क्स एंटर करो पहले बच्चे के, तो वो स्कैन एफ के अंदर जो भी बच्चे के मार्क्स एंटर करते हैं वो एम में चले जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन 33, तो क्या कर ले, पास इज़ इक्वल टू पास प्लस 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी, इफ़ मार्क्स मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 33 तो लिखते हैं पास इज़ इक्वल टू पास प्लस 1। पहले पास में क्या था, 0, अभी पहले बच्चे के अगर 33 से ज़्यादा नंबर आए हैं, 33 या 33 से ज़्यादा, तो वो 1 की वैल्यू पास के अंदर आ जाएगी, 0 + 1 इज़ इक्वल टू पास। अगर एल्स हो, यानी मार्क्स ग्रेटर दैन 33 नहीं है, तो फिर क्या करो, फेल इज़ इक्वल टू फेल प्लस 1। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। ये देखिए मैंने यहाँ से लूप को क्लोज़ कर दिया ब्रैकेट से, तो ये 20 बार चलेगा। जितनी बार हम लोग मार्क्स एंटर करते रहेंगे 33 या 33 से ज़्यादा, तो पास होता जाएगा बच्चा, इंक्रीज होते जाएंगे पास, और जितनी बार 33 या 33 से कम एंटर करेंगे तो वो फेल होता जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कर देंगे प्रिंट एफ वैक्सेशन पास स्टूडेंट्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी और कॉमा पास, जो पास के अंदर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पास बच्चे हैं 7 हैं 10 हैं, वो इसमें आ जाएगा। अल्लाह करे सारे आप लोग पास हों अच्छे नंबरों से। और प्रिंट एफ फेल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी फेल, अल्लाह करे कोई भी ना हो, 0 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अ लाइन ऑफ 60 स्टेरिक्स यूजिंग डू वाइल लूप। 60 स्टेरिक्स तो बहुत आसान है फॉर लूप लगाएं, तो डू वाइल लूप थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ज़रा देखते हैं। रफ़ में आप लोग कर लें, करना क्या है, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन या इन अ वर्टिकल लाइन, ये इन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन कंप्यूटर की ज़ुबान में जब भी कभी कोई कहे सिंगल लाइन में तो हॉरिजॉन्टल ही होती है। दूसरा ये है कि टोटल 60 प्रिंट करने हैं, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट ये है कि लूप चलेगा 60 तक का। डू वाइल लूप है, ये भी एक ट्रिकी बात है, ठीक है। नॉर्मली जल्दी में बंदा इसको फॉर लूप से सॉल्व कर लेता होता है, और इस तरह का हमारा कोई आंसर या स्क्रीन पे जो आंसर आना चाहिए वो स्टार 60 दफ़ा प्रिंट हुआ नज़र आना चाहिए। चलें कोड लिखते हैं। इंटीजर हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है, एन वेरिएबल एन डिफ़ाइन कर लिया हम लोगों ने, और चूंकि डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइज़ पहले किया जाता है, तो एन इज़ इक्वल टू 1 से शुरू करना है हमने पहला स्टेरिक डालने के लिए। और डू और ब्रैकेट लगाई, प्रिंट एफ स्टेरिक बैकस्लैश एन नहीं लगाना, ठीक है, वरना फिर हर दफ़ा नई लाइन में चले जाएगा। और डू वाइल लूप में क्या होता है कि इनिशियलाइज़ तो पहले ही किया था, लेकिन इंक्रीमेंट डू की ब्रैकेट क्लोज़ करने से वाइल से पहले इसके अंदर ही एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं, और चेक करेगा वाइल एन इज़ लेसर देन और इक्वल टू 60। ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, जब तक इस तक नहीं पहुंच जाता ये बार बार इस लूप को चलाता रहेगा, बार बार स्टार प्रिंट करेगा, एन की वैल्यू बढ़ाएगा, बार बार स्टार प्रिंट करेगा, जैसे ये देखेगा 60 से बड़ी हो गई है तो फिर लूप से बाहर आ जाएगा। और ये हमारा बस इतना सा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन यूजिंग फॉर लूप जो है ना, अगर किया जाए तो वो दो लाइनों में किया जा सकता है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन 60 आई प्लस प्लस प्रिंट एफ स्टेरिक, इसीलिए वो फॉर लूप का नहीं पूछ रहा, डू वाइल लूप का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स टेबल ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एफ शो। किस तरह शो किया गया है ये देखें, ये नंबर्स हैं 1 to 10 और ये हैं स्क्वेयर। शुरू में हमने सवाल, एक आपको याद होगा कि हम लोगों ने किन को ऐड किया था, नंबर्स को ही ऐड किया था, ठीक है, उनके स्क्वेयर को नहीं। अभी ये देख लें, इसके लिए नंबर के लिए हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल आई, और स्क्वेयर किस तरह निकाला जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय आई से स्क्वेयर, उसके लिए कोई अलग वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने कम वेरिएबल आप यूज़ करेंगे और कोड सॉल्व कर लें, आप एक अच्छे प्रोग्रामर होंगे। स्क्वेयर इज़ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए कोई अलग से वेरिएबल नहीं लिया। तो अभी ये कोड लिखना है, देखें छोटा सा कोड बनेगा। वेरिएबल आई ले लिया हम लोगों ने, इंटीजर आई क्योंकि नंबर्स हैं, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन नंबर बैकस्लैश टी स्क्वेयर, ये हमने क्यों लिखा है, ताकि हेडिंग भी तो आ जाए ना, उसने ये बताया हुआ है कि ये इस तरह का टाइप करो, तो ये इस तरह हेडिंग आ जाएगी पहली लाइन के अंदर, नंबर लिखने के बाद बैकस्लैश टी का मतलब थोड़ा फासले पे और आगे स्क्वेयर।
फिर फॉर लूप लगाया 1 से 10 तक का, और फिर प्रिंट एफ की कमांड दी, जो ये 10 दफ़ा लूप चलेगा बार बार क्या प्रिंट करेगा, हर दफ़ा नई लाइन में जाएगा, क्योंकि हर दफ़ा देखिए नई लाइन में आ रहे हैं ना, और जाके परसेंटेज डी के अंदर क्या चीज़ चली जाएगी, आई की वैल्यू यानी 1 चला जाएगा, और अगले टैब के बाद परसेंटेज डी जो दूसरा है इसके अंदर आई मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो पहली दफ़ा देखें 1 इधर लिखा और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 इधर और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, इस तरह करके ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएँ।